शुक्रवार कमिश्नर अमित गुप्ता ने तहसील सदर का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा अभिलेखों के रख रखाव, पंजिका, रिकॉर्ड रूम, निर्वाचन सेक्शन का अवलोकन किया। उन्होंने अभिलेखों के बेहतर रख रखाव तथा साफ सफाई पर जोर देते हुए कहा कि राजस्व वादों का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर करें और नायब तहसीलदार प्रतिदिन अपने न्यायालय कक्ष में बैठकर अधिकाधिक वादों का गुणवत्ता युक्त निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने तहसील स्तरीय न्यायिक पीठासीन अधिकारियों को इस दौरान विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि न्यायालयों में राजस्व वादों तथा छोटे छोटे वाद अधिक दिनों में लंबित हैं, उसका तत्काल निस्तारण करें। कमिश्नर ने अभिलेखागार में राजस्व अभिलेखों के बस्ते सुचारू व सुव्यवस्थित रूप से वर्ष क्रमांक आदि को अंकित करते हुए रखने को कहा, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से मिल सके और लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जा सके। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM प्रथमेश कुमार, तहसीलदार संजीव दीक्षित सहित तहसील के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर अमित कुमार गुप्ता ने कहा, व्यवहारिक रूप से ऐसा होता है कि पहले जो जांच करते हैं सर उसी समय उसके पहले ही जांच कर नहीं देते थे सर। नहीं नहीं वो वाली जांच सर जो चेकिंग था इसका भी ये नहीं बता हुआ कितने कहीं लगाया कोर्ट वाला कितने के फॉर्म दो कोर्ट वाला कितने फॉर्म भरा था ना ये तो वहीं लगाया होगा उसके बाद एज ऑन डेट ही वाले जो वेबसाइट से निकाले हैं कम हो गया ठीक है राइट इस पर तो कम होना चाहिए। आइडियल कितना है बोलो तो 63 होता है आइडियल कितना है आइडियल 63 से 65 के बीच में नहीं यार सर ये बस्ते पर देने वाली रेवेन्यू इसमें क्या क्या है यहाँ पर का निरीक्षण किया है, उसमें राजस्व कार्यों को देखा है, कोर्ट वर्क को देखा है, चुनाव कार्य को देखा, रिकॉर्ड रूम आदि देखा और जो कुछ छोटी मोटी कमियाँ आती हैं बताया गया, उसको ठीक करेंगे, अगले बार देखेंगे। और जो ADM साहब साथ में उनको भी बताया कि पूरे ज़िले में जो अन्य तहसील हैं उनमें भी जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं जो निर्देश दिए गए उनका अनुपालन कराएँ।